मुबारक हो जी। अरे आपका लड़का तो बचपन से ही होशियार है। 93%? वाह भाई वाह। अरे 93 कहाँ कम है। अच्छा, अरे सूरज के तो 65 है। जी। हाँ। नहीं, कर लेगा होशियार है। जी। अरे आम निकालो यार, बड़े दिन से आम नहीं खाए हैं। नहीं, मेरा मन नहीं है। ठीक है, फिर कोई फिल्म देख के आते हैं। कौन सी? वो लगी ना इसकी फेवरेट, एवेंजर। हाँ चलते हैं। कोई जरूरत नहीं है। अरे आइसक्रीम तो खा सकते हैं ना, चलो सिरसागढ़ चलते वहां खाते हैं। पापा प्लीज प्लीज, क्या हो गया तुझे? कुछ नहीं हुआ, बस मैं आप लोग की बेइज्जती कराने के लिए पैदा हुआ हूँ। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आपके दोस्तों के फोन पे फोन आ रहे हैं, उनके बच्चों के इतने अच्छे नंबर आए हैं। आपको बेइज्जती फील नहीं होती कि घर के बाहर मुबारकबाद जा रही है बट आ नहीं रही है? हाँ तो ना आए, मुबारकबाद पढ़ाई की थोड़ी होती है बस। लेकिन अभी तो बस उसी की बातें हैं चारों तरफ, आज आपको फोन पे फोन आते रहेंगे। हाँ तो आने दो, माँ बाप का सबसे बड़ा घमंड उनके बच्चे होते हैं बेटे। याद है जब तू स्कूल में सिंगिंग कॉम्पिटिशन में तू फर्स्ट आया था, तो मैंने सबको फोन करके बताया। वो अलग बात है। क्यों अलग बात है? उनके बच्चों के नंबर आए हैं अच्छे खासे, तो फोन करके बताएंगे ही। नंबर कम आने में उदास है? आप नहीं समझोगे। हाँ, जो बंदा 11वीं कक्षा में फेल हो गया था, उसे क्या पता हुआ होगा कि नंबर कम आना क्या होता है। आप 11 में फेल हुए थे? हर इंसान कभी ना कभी फेल होता ही है। मैंने बचपन में ही उसका स्वाद चख लिया था। दादा दादी ने डांटा नहीं? रिश्तेदारों ने क्या कहा? नहीं बेटा, माँ और पिताजी उदास जरूर थे, लेकिन मेरे और समाज के बीच की दीवार थे वो लोग। कोई कुछ भी कहता था तो पिताजी कहते थे कि नहीं, कर लेगा, होशियार है। मुझे आज भी याद है, मैं बहुत रोया था। पहली बार फेल हुआ था ना, तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। शायद मुझे फेल होने से ज्यादा डर इस बात का था कि लोग क्या सोचेंगे, और पिताजी को पता चल गया तो वो क्या करेंगे। फिर वो शाम को घर आए, मेरे पास बैठे और बोले, बहुत नसीब वालों को हार मिलती है, क्योंकि वो अगली बार डबल मेहनत करते हैं। और सफलता की असली कदर उसी को होती है जो पहले हार देख चुका होता है। मेरे साथ के सभी बच्चों के मेरे से ज्यादा नंबर आए। पापा, तेरी रेस खुद से है या दूसरों से? बेटा, अगर हमेशा दूसरों की थाली में देखता रहेगा ना, तो तुझे खुद का निवाला कम लगेगा। उन बच्चों के ज्यादा नंबर क्यों आए हैं? क्योंकि उन्होंने ज्यादा मेहनत की है, ज्यादा पढ़ाई की है। मछली किसी वजह से पेड़ पे नहीं चढ़ पाती, क्योंकि वो जल की रानी है। क्या पता तुझ में भी कुछ ऐसा टैलेंट हो, क्या पता जो तेरे में भी कुछ ऐसा टैलेंट हो जो दूसरों के पास ना हो। एक बात बोलनी है। मेरा एक दोस्त है, उसके दिमाग में ना बहुत दिनों से अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं। उसके भी मेरे जैसे कम नंबर आए हैं। सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, जिसको देखो उस पे हंस रहा है। इतना प्रेशर है उसको ना, ये सब खत्म करने का मन कर रहा है, सब खत्म करने का मन कर रहा है। उसको ना कुछ ऐसा करने का मन कर रहा है कि ये सब ना एक बार में ही रुक जाएगा। तेरे दोस्तों को दूसरों की बातों का बुरा लग गया? अरे उसको बोल, ये लोग जो आज उसका मजाक उड़ा रहे हैं ना, कल वही लोग उसकी सफलता के चर्चे करेंगे, खुद को उसकी सफलता का कारण बताएंगे। उसको बोलना अगर जिंदगी किसी बिना अड़चन के चलते रही तो वो सीखेगा कैसे। अगर लाइफ इतनी आसान होती तो लोग बस जी रहे होते, जिंदगी काट नहीं रहे होते। अगर उसको लगता है कि यही दुनिया का अंत है, तो वो गलत सोच रहा है बेटे। ये स्कूल के नंबर उसका भविष्य ना ही संवार सकते हैं, ना ही बिगाड़ सकते हैं। इंसान को उसकी संगत सुधारती है, बिगाड़ती है। वह किसके साथ बैठता है, उड़ता है, उसके गुण अवगुण उसको बेहतर या बदतर बनाते हैं। इन कागजों के इम्तिहान से बहुत ज्यादा मुश्किल इम्तिहान लेती है जिंदगी बेटा। उनके आगे सब
छोटे मोटे प्रॉब्लम लगेंगे बस। 5 साल बाद जब मुड़ के देखेगा ना तेरा दोस्त, तो हंसेगा मैं कहां इन नंबरों के पीछे रो रहा था। और उसको ये भी बोलना कि दुनिया चाहे उसके कितने भी खिलाफ हो जाए, लेकिन उसके साथ हमेशा उसके माँ बाप खड़े हैं। नहीं कौन से दोस्त की बात कर रहा था ये? किसी की बात नहीं कर रहा था, कोई दोस्त नहीं इसका, ये अपनी बात कर रहा था। समाज का बोझ किताबों के बोझ से कुछ ज्यादा भारी हो गया है। नहीं मुझे चिंता हो रही है, हमें इसको राह दिखानी है, बचाना नहीं है। कब तक बचाएंगे, लेकिन ये कर लेगा, होशियार है।